हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ एक महाराष्ट्रियन रोस्टेड मसाले का चिकन। उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चिकन मैरिनेट करने के लिए अबाउट 1/4 टीस्पून ऑफ हल्दी, अबाउट 1 to 1.5 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, जैसे आपको तीखा पसंद है, अबाउट 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। हम सॉल्ट बाद में मसाला के साथ भी एडजस्ट करेंगे, तो अभी मैं अबाउट 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, और अबाउट 6 to 7 स्पून ऑफ योगर्ट इसे मैरिनेट करने के लिए। चिकन को अच्छे से मिक्स करके लेना, और ये चिकन को मैरिनेट करने के लिए कम से कम 1 घंटा रखना। और चिकन में याद से मैंने ड्रमस्टिक्स यूज़ किया है, उसमें ऐसे आप थोड़े से छेद कर लेना, तो आपका जो मैरिनेशन है वो अच्छे से मीट के अंदर जाता है। और इसे आप साइड में रख देना अबाउट 1 घंटे के लिए। अभी ड्राई रोस्ट के लिए इसमें काफ़ी सारे मसाले आते हैं। इसमें है सौंफ है, जीरा है, ब्लैक पेपर है, सेसमी सीड्स हैं, धना है, कोरिएंडर सीड्स, सिनेमन स्टिक्स, इसे बादियान बोलते हैं, हरी इलायची और लाल मिर्च। ये सब अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 2 टेबल स्पून ईच के मसाले हैं, जो है सौंफ, जीरा, धना, सेसमी सीड्स अबाउट 1.5 चम्मच है, ब्लैक पेपर अबाउट 15 है, और 2 बादियान, 5 इलायची और थोड़े सिनेमन स्टिक्स। और मैंने 4 अक्की रेड चिलीज ली है। अब आपके तीखेपन के हिसाब से यू कैन यूज़ 4 to 6 ऑफ ड्राई रेड चिलीज। इसके साथ साथ देर इज़ 3 टेबल स्पून ऑफ कोकोनट एंड अबाउट 15 कैशू नट्स। तो इसे मैं ड्राई रोस्ट करूँगी विदाउट एनी ऑयल। तो आप एक पैन गरम करना, और ये सब मसाले उसके साथ आप पहले ड्राई रोस्ट कर देना। कैशू और कोकोनट थोड़े टाइम के बाद मैं ऐड करूँगी, थोड़ा सा जैसे मसाला एक अपना फ्लेवर छोड़ने लगता है, फिर आप उसमें कोकोनट और कैशू ऐड कर सकते हो। तो इसे होने में कम से कम अबाउट 3-4 मिनट्स के लिए आप ये मसाला अच्छे से भून के लेना। अभी मसाला अच्छे से भून गया है, अभी इसमें मैं कोकोनट ऐड कर रही हूँ। कोकोनट एक अपना ऑयल छोड़ता है मसाले में, और इसके साथ साथ कैशूज भी ऐड कर रही हूँ, जो एक अच्छा सा एक नटी फ्लेवर दे देता है ये मसाले को। और ये अच्छे से भून लेना, फिर मसाला अबाउट 10-15 मिनट्स इसको ठंडा करना, और फिर इसको हम ड्राई ही पीस लेते हैं ये मसाले को। और फिर जब ये चिकन बनाते हैं, ये मसाला सबसे वो चिकन में मेन मसाला होता है, जो काफ़ी फ्लेवर देता है चिकन को। तो अभी ये मैंने ऑयल में अबाउट 3 अनियंस अच्छे से ब्राउन करके लिया है। अनियंस के साथ मैंने अभी तक और कुछ भी नहीं डाला है। अभी इसमें मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, मैंने अबाउट 10 क्लव्स ऑफ गार्लिक एंड इसे एक बड़ा सा पीस जिंजर का लिया है, और ये उसका पेस्ट है। ये मैं अभी अनियन में डाल दूँगी और उसको अबाउट थोड़ा सा भून लूँगी अबाउट 1-2 मिनट के लिए, ताकि वो अच्छे से अनियन में मिक्स हो जाए। अभी इसके साथ मैं डाल दूँगी जो मैरिनेटेड चिकन है वो, इसको आप थोड़ा मिक्स कर ले लीजिए। और अभी चिकन में आप डाल दीजिए ये जो मसाला हमने रोस्ट किया था, वो मैंने पीस के लिया है, और मैंने उसको ऐसा काढ़ा पीस लिया है, एकदम फाइन नहीं, ऐसा थोड़ा सा रफ, ताकि वो थोड़ा सा ऐसा मसाला वो ग्रेवी में आना चाहिए। तो ये पीसा हुआ मसाला मैं अभी चिकन में ऐड कर रही हूँ। ये मसाला बहुत सारा फ्लेवर देगा चिकन को। मसाले को आप अच्छे से मिक्स कर लेना चिकन के साथ। और अभी ये मसाले के साथ साथ मैं अबाउट 3/4 चम्मच नमक डालूंगी। 1 चम्मच हमने ऑलरेडी चिकन में डाला था मैरिनेशन के टाइम पे,
तो याद रखना आप नमक वैसे एडजस्ट करना कि नमक एकदम ज़्यादा ना हो। नमक हमेशा आप थोड़ा सा चाहिए तो वापस ऊपर से डाल सकते हैं। अभी ये चिकन में आप थोड़ा सा टमाटर डाल देना। मैंने 2 टमाटर ऐसे पीस के लिए हैं, कच्चे ही टमाटर है, ऐसे प्यूरी वाले नहीं है, कच्चे टमाटर पीस के लिए हैं। वो अभी आप चिकन में डाल देना और अच्छे से मिक्स करके चिकन को अबाउट 20-30 मिनट्स पकने देना एक मीडियम फ्लेम पे। अभी तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चेक कर सकते हो अगर आपको बीच में लगे कि चिकन को थोड़ा सा पानी ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, अबाउट 1 कप ऑफ वाटर। बट पहले अभी के लिए तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिकन अपना खुद का भी एक पानी छोड़ता है, तो आपको एकदम ही ऐसा पानी वाला चिकन नहीं चाहिए। तो स्टार्टिंग के लिए पानी आप नहीं ऐड करना। और ये हो गया चिकन रेडी। आप इसको अच्छे से राइस या पराठे के साथ खाना एंड एन्जॉय द चिकन। थैंक यू।